वहीं अमेरिका के आयोवा और ओक्लाहोमा राज्यों में पिछले दो दिनों से 35 से ज्यादा टॉर्नेडो आए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक तूफान की वजह से अब तक एक नवजात समेत 4 लोगों की मौत हुई है, वहीं 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। टॉर्नेडो की वजह से अकेले इस सफर शहर में 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। यहाँ ज्यादातर इमारतें नष्ट हो चुकी हैं और अब तक 5,000 से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं। आयोवा और ओक्लाहोमा में तूफान से 500 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। ओक्लाहोमा के गवर्नर केविन स्टिट ने बताया कि पूरे शहर में तबाही मच गई है, लोगों के व्यापार को नुकसान पहुंचा है और 20,000 से ज्यादा घरों में बिजली भी गुल हो गई है। शनिवार रविवार के बीच वहां एक साथ 35 टॉर्नेडो रिकॉर्ड किए गए थे।